चार लोग क्या बोलेंगे, राइट? चार लोग क्या बोलेंगे? जब ये चार लोग क्या बोलेंगे उसके बारे में जब अपना सोचना बंद करते हो, आपकी ज़िंदगी में क्या क्या अच्छा होगा, आप कहाँ कहाँ कैसे तरक्की करोगे, उसके बारे में आज बात करते हैं। जब आप ये सोचना छोड़ देते हो कि चार लोग क्या बोलेंगे, उसके बाद क्या क्या होगा। नंबर वन, पहली चीज़ तो आप सबको मस्का लगाना, सबको कैसे अच्छा लगता है, क्या सही लगता है, उस हिसाब से आप जब जीते हो, आप जीना चालू करते हो, मतलब दूसरों के लिए, आपकी खुशी के लिए, एटलीस्ट वो नहीं होगा क्योंकि आप अपने लिए जीते हो, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप दूसरे को मस्का लगाने के लिए, उनको क्या बुरा लगेगा, उनको कैसे लगेगा, ये सोच सोच के एवरी दिन पूरा ज़िंदगी जी के ख़त्म करते हैं, वो आपके लिए नहीं जीते हैं। तो पहली चीज़ दूसरे को मस्का लगाना, दूसरे के लिए जीना वो छोड़ देते हो, आप अपने लिए जीना चालू करते हो, दैट इज़ द बेस्ट वन। ओके, सेकेंड एक चीज़, मेरा फेसबुक लाइव, मेरा यूट्यूब, मैं सब में आता हूँ, तो कुछ लोगों को पसंद नहीं है, कुछ लोग पसंद करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, मतलब लोग आपके ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं जब आप अपने मन की बात करते हो, आपके दिल से रहते हो, आप जो चाहते हो करते हो ना, यू बिकम वेरी अट्रैक्टिव, लोग आपको पसंद करना चालू करते हैं, आपको लाइक करना चालू करते हैं। देखिए बात, आप दूसरे के लिए जब जीते हैं, उनको मस्का लगाते हैं, उनके लिए जीते हैं, वो अलग है, लेकिन जब अपने लिए जीते हो, लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। टू, क्या बढ़िया ना। उसके बाद देखते हैं कि कभी कुछ आपको दिल में कुछ है, आपको बताने का ज़रूरत है, कुछ बोलने का है, आप ये नहीं सोचोगे, जब आप चार लोग के बारे में सोचते हो ना, तो कभी मुँह नहीं खोलते हो। जब आप अपने दिल से बोलते हो, फिर आप बहुत डायरिंग से बात करते हो, तो आप जो सोचते हो वो बिंदास बोल देते हो, वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बार ट्रेन में था, तो एक पता नहीं, वो लड़की बाहर से आई है, कपड़ा वपड़ा कुछ खराब थी, दो तीन दिन से बाहर से है, दिमाग से ठीक नहीं है, जवान लड़की थी। एक लड़का उसके बाजू में, एक आदमी है उसके पास, लड़का 100 रुपया देकर उसको बाजू में बुला रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था, पूरा कंपार्टमेंट बैठ के उसको देख रहा है, कोई भी उसको मना नहीं कर रहा है, उसको पता है ये लड़की बाहर से है, ये लड़का उसके साथ कुछ गलत कर रहा है, पैसा देके उसको लेके जाने की ट्राई कर रहा है, कंपार्टमेंट में रहा, सब लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई मुंह नहीं खोल रहे हैं, राइट? ये थाना और कल्याण के बीच में मैं ट्रेन में था तभी का, लेकिन मैं देखता रहा, लेकिन मेरे से सह नहीं हो पाया। मैं बोला ये इधर आ, इतना ही बोला, ये इधर आ, ऐसे बोला, मैं दरवाजे के बाजू में खड़ा था, उसको बोला इधर आ, बस इतना ही बोला। इतने में सब लोग उनको सब, वो जो मैंने उत्साह किया ना, तुरंत उठे सब लोग, उसको पकड़ के धुलाई चालू कर दिया। क्या रे, वो लड़की को तेरे को क्या क्या लगता है, मतलब वो तो थोड़ा घर से निकल गया, उसका दिमाग का ठीक नहीं है, ये सब हुआ। क्यों? क्योंकि पहले जो बात करते ना, पहले जो मुंह खोलते ना, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि चार लोग के बारे में मैं सोचा नहीं कि लोग क्या बोलेंगे, क्या वो कौन हो सकता है, कैसे हो सकते हैं, ठीक है? आप दिल से बात करना चालू करते हो, आप चार लोग के बारे में जब सोचोगे नहीं, राइट, आप स्टार्ट करते हो। सो उसके बाद फिर मैं पुलिस कॉल किया, तब तक कुरला में पुलिस आया, वो लड़की को हैंड ओवर कर दिया, ये आदमी को भी हैंड ओवर कर दिया, दैट्स अलग वे। एनीवे, लेकिन आप जब चार लोगों के बारे में सोचते नहीं हो, मुंह खोलते हो, पहली बात बात करते हो, तो आपकी जो अंदर की चीज़ है ना, वो बाहर आती है, राइट? एक होता है। और जब चार लोगों के बारे में नहीं सोचते हो, दूसरा एक चीज़ होता है कि आप पॉजिटिव लोगों के साथ अट्रैक्ट हो जाते हो, क्योंकि जो लोग हमेशा किसी के अंदर भी कमियां नहीं देखते हैं, किसी को भी उनके अंदर अच्छाइयाँ, जो भी अच्छा चीज़ें वही देखते हैं ना, वो लोग आपके साथ आकर्षित हो जाते हैं। आपके अंदर कुछ कमियां होगा, राइट, आपके मन बातों में करने में कमियां होगा, लेकिन जो लोग बाहर से हैं ना, जो आपके आपकी ओर आपके पास कनेक्शन हो जाता है, मतलब वो आपकी पॉजिटिव लोग आपके साथ आते हैं। ओके, द पॉइंट इज दैट आप अपना एक दुनिया बनाते हो जिसमें सिर्फ पॉजिटिव लोग आपके साथ आते हैं। ये सब कब होगा? कब आप दिल खोल के आओगे, आप अपने तरीके से जियोगे, तभी लोग आपके पास आएंगे। आप दूसरे के लिए जियोगे, आप अपने लिए नहीं जियोगे, तो वो जो फेक लोग आ गए कि कपड़ा पहन के, टाई पहन के, कोट पहन के, खाली दिखावा, ये वो नाटक, क्या बोलते हैं ना, मेकअप विकअप जो भी है आप जो दिखाते हो लोग, मैं ये सब गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, मतलब आप कभी भी अंदर की चीज़ निकालते हो, हमेशा दुनिया के लिए चेहरा बना के दिखाते हो, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? जब वो भी आपकी ओर, खाली वो मेकअप, आपकी जो दिखावा है उसके लिए वो आकर्षित होंगे, लेकिन जिस दिन ये पोल खुलेगा ना, वो सब भाग जाएंगे। इसके लिए आप जब
हमेशा अपने तरह से रहते हो, आपके दिल से रहते हो, तो लोग आपके आकर्षित होंगे, आपके साथ सिर्फ पॉजिटिव लोग होंगे जो आपके साथ हमेशा कोई कमियां नहीं देखते हैं, सिर्फ आपकी अच्छाइयां देखते हैं, राइट। मैं मेरे इतना साल की ट्रेनिंग में 25,000 लोगों को अभी तक 25,000 लोगों में देखा है, मेरे साथ मेरे बहुत डेडली फैन बन जाते हैं, यू नो, वो बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, लेकिन उनका मेरा अट्रैक्शन हो जाता है। कैसे? क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव है, और पॉजिटिव लोग ऐसा, मतलब आप वो दुनिया में आ जाते हो जो सब पॉजिटिव लोग होते हैं। सो आप दिल खोल के बात करने से ये आपको बहुत बड़ा अच्छा फायदा होगा। ओके, दूसरा एक चीज़ है कि आप जब अपने दिल से जीते हो, दूसरे के बारे में सोचते नहीं हो, आप एक फ्री हो जाते हो, ठीक है। आप अपना दुनिया बनाते हो, आप फ्री हो जाते हो, आपको कभी टेंशन नहीं, मतलब जब चाहे जो चाहे आप कर सकते हो, नहीं तो वो बोझ रहेगा, कल क्या सोचेंगे, अभी क्या होगा, कल क्या करना है, राइट। मेरे अंदर कुछ सोच आता है, मुझे कुछ बताना है, अभी मैं प्लान करूँ कि मैं कोट डालूँ, टाइट डालूँ, ये डालूँ, मेकअप वेकअप करूँ, सेटिंग करूँ, ये सब, तब तक वो आइडिया निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे मुझे वो इसमें लगा हुआ है, इसी के अंदर तुझे करना है ऐसा, वो जो फ्री नहीं होता है, राइट। सो जब आप चाहे जो बोल सकते हो, जो मालूंगा मेरा यूट्यूब वीडियो सब देखे होंगे, जैसे मैं कहीं पे भी कुछ भी रात को दिखता नहीं है तो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, चलता हूँ, जैसे भी है मैं वीडियो बनाता हूँ, राइट, क्योंकि मैं फ्री हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अच्छे लीडर्स क्या होते हैं, मतलब है, लोग समझते हैं लीडर है ये, हमारा लीडर है, हमें हमें ये गाइड करते हैं, मतलब हमें राह भी दिखाते हैं, हकीकत में वो नहीं होता है। जब बड़े लीडर्स होते हैं ना, वो पिंजरे में कैद हो जाते हैं, और वो जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके जो भी कर्मचारी है, जो भी है, उनके और वो जेल में हो जाते हैं, मतलब वो अपने हिसाब से जी नहीं सकते हैं, वो इनके लिए जीना पड़ेगा, इनको दिखाने के लिए, इनको जो अच्छा लगेगा वही चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उल्टा हो जाता है, लोग उनको फॉलो नहीं करते हैं, ये उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनके लोग कैसे हैं उनके ऊपर फॉलो करना है, मतलब वो कैद हो जाते हैं, वो अपने हिसाब से फ्री नहीं रह पाते हैं। तो जब आप चार लोगों के बारे में सोचते नहीं हो, आप फ्री हो जाते हो, अपनी तरह से जीते हो, और आपको कोई बोझ नहीं होता है, टेंशन नहीं होता है, यू नो, दैट्स द बेस्ट फॉर टफ। जब आप फ्री हो जाते हो, टेंशन नहीं है, तो आपको कभी होरी नहीं होता है, यानी क्या होगा, कैसे होगा, मेरा लाइफ कैसे चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ओके। उसके बाद आपका कनेक्शंस होगा, कनेक्शन किस किस लोगों के पास होगा, अच्छे अच्छे लोग, है ना, बड़े बड़े कनेक्शन, जो भी आपकी वेव लेंथ से मिलता है उनके साथ आपका कनेक्शंस होगा, तो आपकी ग्रोथ और अच्छा होगा, ओके। और एक बात, जब आप दुनिया के बारे में डरते नहीं हो, आपको रिजेक्शंस के लिए आपको डर नहीं लगेगा। रिजेक्शन मतलब कोई मुझे पसंद नहीं करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता रे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन पसंद किया नहीं पिया कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपने दुनिया में हो, आप अच्छे हो, आप अपने दिल से हो, बस कौन आया, पसंद किया नहीं किया, निगलेक्ट किया, आपको साइड पे कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। सो क्योंकि आप लोगों के बारे में परवाह नहीं करते हो ना, सो रिजेक्शंस से आप डरते नहीं हो, क्योंकि आप बिंदास आ जाते हो, ओके, फाइन। द लास्ट थिंग, चार लोगों से आप डरते नहीं हो तो क्या होता है, राइट, आप अकेले जीना सीख लेते हो, आपको कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, हर बार है ना शेर की तरह अकेले जाते हो, अकेले जीना चालू कर देते हो, ये आप जब चार लोगों के बारे में डरते नहीं हो तभी होगा, ठीक है। मैं हमेशा मेरे फ्रेंड्स है कई लोग, मैं ऑफिस के लिए कभी भी नीचे जाना, कभी बाहर जाना, चाय पीना, हमेशा किसी किसी को लेके जाते हैं, वो अकेले जाने में डर लगते हैं, उनको अकेले जाते नहीं है, अकेले टाइम पास नहीं होते हैं, वो अकेले अपने आप को जी नहीं सकते हैं। जब आप ये सब दौड़ तरीके से आप चार लोगों के बारे में सोचते नहीं हैं, आप अकेले जी सकते हो, किसी का परवाह नहीं है, यू विल लिव अ वंडरफुल जिंदगी, ठीक है, बहुत सॉलिड जिंदगी आप जियोगे, राइट। सो आज हम लोग ने देखा चार लोग के बारे में सोचने से, आप नहीं सोचने से आपकी जिंदगी कितना बेस्ट होगा। होप दिस वीडियो लाइक आपको अच्छा लगेगा वीडियो, थैंक यू सो मच।